प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर विच आज आपां करांगे तुहाडा जो 10वीं क्लास दा 5वां लेसन है इंग्लिश दा, सम ग्लिम्पसेस ऑफ एंशियंट इंडियन थॉट एंड प्रैक्टिस। कुछ झलकियां पुरातन भारतीयों दियां उन्हां दे विचारां दे तौर ते अते प्रथावां दे तौर ते रीति रिवाजां दे तौर ते कि किहो जिहा उन्हां दा जीवन सी, किहो जिहे उन्हां दे विश्वास सन, उन्हां दे विचार सन। डॉक्टर डी वी जिंदल द्वारा यह लैसन लिखा गया है। इस लैसन की लाइन टू लाइन जो पंजाबी एक्सप्लेनेशन है वो मैं पहला ही एक वीडियो लैक्चर में कर चुका हाँ, जो तुहाडे कोल पहुँच चुकी है। इस लैसन के विच आपां क्वेश्चन आंसर करांगे। इस लैक्चर में लाइन टू लाइन मैं तुहानूं एक क्वेश्चन आंसर की पंजाबी करवावांगा, तो मैनू आस है तुहानू बहुत ही वधिया तरीके नाल ये समझ लग जाणगे। पहला प्रश्न है बेटा तुहाडा, व्हाट कॉज्ड डेस्पीरेशन टू द गॉड्स, किहड़ी गल देवतियां दे लई निराशा दा कारण बनी। देयर वॉज अ फाइट बिटवीन द डीमॉन्स एंड द गॉड्स। आंसर है कि एक लड़ाई सी देवतियां अते दैंतां दे विचकार। डीमॉन्स हुंदे आ बेटा दैंत, गॉड्स हुंदे आ देवते। द डीमॉन्स सीम्ड टू हैव एन अपर हैंड। दैंत की लगते सी कि जित रहे हैं, उन्हों का पलड़ा भारी है। अपर हैंड हुंदा है पलड़ा भारी होना। इट कॉज्ड डेस्पीरेशन टू द गॉड्स, ये गल देवत्यां दे लई निराशा का कारण बनी। सैकंड क्वेश्चन है बेटा, हू डिड द गॉड्स गो टू इन डेस्पीरेशन। देवते निराशा दे विच किस कोल गए। आंसर है द गॉड्स वेंट टू लॉर्ड विष्णु। देवते भगवान विष्णु कोल गए। बेटा जब क्वेश्चन दे विच डिड लग्या होवे तां फॉर्म वर्ब दी जो फॉर्म है फर्स्ट कीती हुंदी है, पर आंसर दे विच आपां फर्स्ट फॉर्म तों सैकंड फॉर्म कर दिंदे हां। द गॉड्स वेंट टू लॉर्ड विष्णु। देवते भगवान विष्णु कोल गए। दे वॉन्टड टू नो द वे टू डिफीट द डीमॉन्स। ਉਹ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਢੰਗ, ਡਿਫੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਵਟ ਵਾਸ ਲਾਰਡ ਵਿਸ਼ਨੂਜ਼ ਐਡਵਾਈਸ ਟੂ ਦਾ ਗੋਡਸ। ਲਾਰਡ ਵਿਸ਼ਨੂ ਦੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਲਾਹ ਸੀ। ਆਂਸਰ ਦੇਖੋ, ਲਾਰਡ ਵਿਸ਼ਨੂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਗੋਡਸ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਮਾਈਟੀ ਸਵਾਰਡ। लॉर्ड विष्णु ने सलाह दी देवत्या नूं कि वह एक शक्तिशाली तलवार प्राप्त करन। माइटी हुंदा शक्तिशाली। प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बोन्स ऑफ सम ग्रेट सेज, किसी महान संत दियां हड्डियां तो जो तैयार होई भी होवे। प्रिपेयर्ड हुंदा तैयार होई भी। सेज हुंदा संत, जो कि किसी महान संत दियां हड्डियां तो तैयार होई भी होवे। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सैक्रीफाइस ऑफ सेंट दतिची। सेंट दतिची दा की बलिदान सी। आंसर है सेंट दतिची लेड डाउन हिज लाइफ। तुसी ही लेड डाउन हिज लाइफ भी लिख सकते हो, सेंट दतिची लेड डाउन हिज लाइफ भी लिख सकते हो। ही लेड डाउन हिज लाइफ सो दैट हिज बोन्स कुड बी मेड इनटू एन इनविंसिबल वेपन फॉर द गॉड्स। उसने अपने जीवन का बलिदान दे दिता। लेड डाउन होता है बलिदान दे देना। सो दैट ताकि हिज बोन्स कुड बी मेड, उस दियां हड्डियां बदलियां जा सकन इन टू एन इनविंसिबल वैपन फॉर द गॉड। ताकि उस दियां हड्डियां देवत्यां दे लई एक अजित हथियार विच बदलियां जा सकन। इनविंसिबल होता है जिसनों जितया ना जा सके, अजित। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा तुहाडा फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द रियल स्पिरिट बिहाइंड द याजनास परफॉर्म इन आर होम्स। उन्हां यज्ञां दे पिछे की भावना हुंदी है जिहड़े साडे घरां दे विच परफॉर्म कीते जांदे हन, घरां दे विच कीते जांदे हन जो यज्ञ, उन्हां दे पिछे की भावना हुंदी है। आंसर देखो बेटा, इट इज द रियल स्पिरिट ऑफ चैरिटी। यह एक असली भावना होंगी है चैरिटी की। चैरिटी होंगे बेटा दानशीलता, दानशीलता की भावना होंगी है। रिनंसीएशन त्याग की भावना होंगी है।
सैक्रीफाइस बलिदान एंड डिटैचमेंट अते विराग की भावना होंगी है। उन्हें यज्ञों के पिछे चैरिटी दानशीलता रिनंसीएशन त्याग सैक्रीफाइस बलिदान एंड डिटैचमेंट अते विराग की भावना होंगी है। नैक्सट क्वेश्चन है बेटा, वट डज द ट्रेडिशन ऑफ फीडिंग बर्ड्स एंड एनीमल्स प्रूव। जो साड़ी एक परंपरा है पंछियों अते जानवरों को भोजन देना, असीं भी अपने घरां विच जां बाहर कोई पंछी आउंदे हन जानवर कोई देखदे हां असीं भुखे उन्हां नूं असीं कुछ ना कुछ खाण दे लई दे दिंदे हां, इहदे पिछे असली की भावना हुंदी है, इह परंपरा क्यों है? आंसर है बेटा, इट प्रूव्स दैट, इह की सिद्ध करदी है भावना, दैट द पीपल ऑफ आवर कंट्री बिलीव, कि जो साडे देश दे लोक हन ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਨ ਦਾ ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਸੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਆਲ ਲਾਈਫ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੈਵਨਥ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਸਮ ਸਕਾਲਰਸ ਲਾਫ ਐਟ ਅਸ਼ਟਵਕਰ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ? ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ? ਆਂਸਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਹੈਡ ਆ ਡਿਫੋਰਮਡ ਬੋਡੀ। ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਇੱਕ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਸਰੀਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਡਿਫੋਰਮਡ ਹੁੰਦਾ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ। ਹੀ ਲੁਕਡ ਵੈਰੀ ਅਗਲੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੱਦਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਸਮ ਸਕਾਲਰਸ ਲਾਫਡ ਐਟ ਅਸ਼ਟਵਕਰ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸੇ। How did Ashtavakar react? Next question is, how did Ashtavakar react when some scholars laughed at him? Kuch vidwan jadon Ashtavakar utte hasse ta usne kiho jeha vivahar kita, ta unhan ne react kis tarah kita jad kuch vidwan Ashtavakar utte hasse? Answer hai beta, Ashtavakar became very angry. Ashtavakar bahut gusse ho gaya. He called them skinners. उसने उन्हां नूं चर्मकार कहा। Because they measured the worth of a person from his skin. क्योंकि उन्हां ने एक आदमी दी कीमत उसदी चमड़ी तो मापी सी। Next question है बेटा, what did Vivekanand say to the lady who laughed at a simple dress? विवेकानंद ने उस औरत नूं की कहा जो उसदी साधारण ड्रेस उत्ते उसके साधारण पहरावे उत्ते हसी। आंसर है, वंस एन अमेरिकन लेडी लाफ्ड एट द सिंपल ड्रेस ऑफ स्वामी विवेकानंद। एक बार एक अमेरिकन औरत स्वामी विवेकानंद दे साधारण पहरावे उत्ते हसी। ही टोल्ड हर दैट इट इज नॉट ड्रेस। ता स्वामी विवेकानंद ने उसनू की कहा कि यह ड्रेस नहीं, बट द करैक्टर ऑफ ए परसन, पर एक व्यक्ति की शख्सियत होंदी है, दैट मेक्स अ परसन ग्रेट, जिहड़ी एक व्यक्ति नूं महान बनाउंदी है। जद ओह औरत स्वामी विवेकानंद की सधारण ड्रैस उत्ते हसी तां स्वामी विवेकानंद ने की कहा कि किसी व्यक्ति नूं महान उसकी ड्रैस नहीं बल्कि उसकी शख्सियत उसका करैक्टर उसनूं महान बनाउंदे हन। टेंथ क्वेश्चन है, वट वॉज द स्टेटस ऑफ विमेन इन एंशियंट इंडिया। ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਸ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁਤਬਾ ਸੀ? ਆਂਸਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਨ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿਮੈਨ ਵਰ ਗਿਵਨ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੋ ਆਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਜ ਕੰਸੀਡਰਡ ਕੰਪਲੀਟ ਵਿਦਆਊਟ ਦੇਅਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਜ ਕੰਸੀਡਰਡ ਕੰਪਲੀਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਖਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਿਦਆਊਟ ਦੇਅਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਬਾਓ ਹਿਸ ਹੈਡ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਵੁਮੈਨ ਹੂ ਵਾਜ ਬਰਾਊਟ ਟੂ ਹਿਮ ਐਸ ਅ ਗਿਫਟ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਈ ਡਿਡ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਬਾਓ ਹਿਸ ਹੈਡ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਵੁਮੈਨ ਹੂ ਵਾਜ ਬਰਾਊਟ ਟੂ ਹਿਮ ਐਜ ਅ ਗਿਫਟ। ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ?
आंसर है बेटा शिवाजी हैड ग्रेट रिगार्ड फॉर विमेन। शिवाजी औरतों के लिए बहुत ज्यादा सम्मान रखते सन। शिवाजी के दिल में औरतों के लिए बहुत ज्यादा मान सम्मान सी। ही लुक्ड अपॉन दैम एज हिज मदर्स। वो उन्होंने अपनी मावां वांग मानते सन। दैट वॉज वाई ही कॉल्ड दैट वूमैन मदर। यही कारण सी कि उन्होंने उस औरत नूं मां कहा। एंड बाउड हिज हैड बिफोर हिम। अते उसके सामने अपना सिर चुकाया। नैक्सट क्वेश्चन है बेटा वाई अकॉर्डिंग टू यू वर द वॉर्स फॉट इन द महाभारत एंड रामायणा सैक्रेड। तुहाडे अनुसार जो महाभारत ते रामायण दे विच युद्ध लड़े गए वह पवित्र क्यों सन। तुसी उस नूं पवित्र क्यों मानते हो। आंसर है बेटा दीज वार्स वर फॉट टू डिफेंड एंड अपहोल्ड द ऑनर ऑफ मदरहुड। यही लड़ाइया रक्षा करन दे लई अते उच्चा चुकन दे लई मान सम्मान मां पुणे दा ओह मां पुणे दे मान सम्मान दी रक्षा करन दे लई अते उसनू उच्चा चुकन दे लई लड़ियां गईयां सन। दैट वॉज वाई दे वर कंसीडर सैक्रड। यही कारण सी कि उन्होंने पवित्र मनिया जाता सी। नैक्सट क्वेश्चन है बेटा लास्ट क्वेश्चन है तुहाडा वट डज लॉर्ड रामाज मीटिंग विद अ बील वूमैन एंड ईटिंग द टेस्टड बैरीज शो। जो लॉर्ड रामा की मिलनी है एक बील औरत दे नाल। बील एक नीवी जाति नूं मन्निया जांदा बेटा अते उसदे टेस्ट कीते हुए बैरीज खाना यह की शो करता है। जो साडे इतिहास दे विच एक यह सानू एग्जाम्पल सुन नूं मिलती है कि श्री रामचंद्र जी एक भील जाति की औरत द्वारा टेस्ट कीतियां गईयां बैरीज खांदे सन क्योंकि वह औरत श्री रामचंद्र जी नूं बैरीज चख के वह देखती सी पहला कि वह खट्टियां हन जां मिठियां हन फिर श्री रामचंद्र जी नूं दिंदी सी। यह गल की शो करती है। आंसर है बेटा इट शोज दैट इन एनशियंट इंडिया। यह गल शो करती है कि पुरातन भारत विच देर वॉज नैवर एनी डिस्क्रिमिनेशन कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता सी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड एंड प्रोफेशन। जाति धर्म अते किते दे तौर ते कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता सी।